सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। साडे कोल हुण 10th क्लास का असीं टॉपिक कर रहे हैं त्रिभुज, ठीक है, उसकी अभ्यास 6.2। इहदे विच असीं करांगे जिहड़ी असीं पिछली वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तुहानूं समझाई सीगी उहदे नाल रिलेटिड क्वेश्चनस ने, ठीक है। हुण बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वरतों करांगे। सब तो पहला प्रश्न आ, सानूं डायग्राम गिवन है, उसकी स्टेटमेंट की है, सुन लो। ये जरा चित्र है ये सू गिवन है डी ई पैरल बी सी, जी डी ई साइड है त्रिभुज ए बी सी है, ये डी ई जी है बी सी दे की है पैरल यानी कि समांतर है। तो कहता ई सी पता करो, हूँ ए ई लेंथ जी 1 सेंटीमीटर है, ए डी हैगी है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर है, तो ई सी जी है वह पता करनी है कितनी होगी। हुण इत्थे असीं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि मूल अनुपातता प्रमेय, समान अनुपातता प्रमेय जिहड़ा असीं कीता सीगा वह लगावांगे। देखो त्रिभुज ए बी सी विच, ठीक है, डी ई की है पैरलल है, कि पैरलल है बी सी, इहदा मतलब बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहती है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जो असी कोई रेखा बनाने तो बाकी दो भुजावान समान अनुपात में वंडेगी। हम बी सी के समांतर असी डी ई रेखा खींचिए, इहदा मतलब जिहड़े बाकी दो भुजावां ए बी अते ए सी ए दोवें समान अनुपात विच वंडियां गईआं, मतलब ए डी ते बी डी, ए डी बटा बी डी, जो ए डी ते बी डी विच रेशो होएगी सेम रेशो ए सी ते ई सी विच होएगी, ए ए ई बटा ई सी विच, ठीक है। हुण ए डी किन्नी है साडे कोल 1.5, बी डी हैगी 3 सेंटीमीटर, ए ही ए ई एक है, तो ई सी ही पता करनी, इतों ही कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो अगला पॉइंट हटा लो 15/3 पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाना, ठीक है, 1/ ई सी तो 5 × 5 = 10 ये आ गया 1/2 = 1/ ई सी, यानी कि इनू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई सी बराबर आ जानी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ने। हुण नैक्सट भी इस तरह करते एक बुक जिस तरह चौथा प्रश्न वो मैं सॉल्व करना, वो प्रूव करना है, वो डायग्राम पहले मैं फिर बना लगा। ये एक सानू ट्राइंगल गिवन ए बी सी, ध्यान में पहले डायग्राम ध्यान ना समझनी है, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है त्रिभुज, ये डी ई साइड जी ए सी के पैरल है, ठीक है, ये डी ई साइड है, कि पैरल है, कि समांतर है ए सी। हूँ असी ए मिला लिया, एर मिला लिया, ए ई के समांतर है डी तो एक समांतर रेखा बच्चे इस तरह, ठीक है। ए बी सी नू एफ बिंदु ते जाके समझ आ गए, पहला ए सी दे समांतर डी ई, फिर ए ई दे समांतर डी ई, ते ही प्रूव की करना है, इहदे विच सानू प्रूव करने वास्ते क्या है, की प्रूव करने वास्ते कहिंदा, कहिंदा प्रूव करो, ये प्रश्न नंबर है चौथा, बी एफ बटा एफ ई ये बराबर है बी ई बटा ई सी दे, ठीक है। देखो बी एफ बटा एफ ई मतलब जो बी एफ ते एफ ई विच रेशो सेम रेशो बी ई बटा ई सी, बी ई ते ई सी विच, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। हुण असीं बारों बारी देखो मैं डायग्राम पहले मैं एक बार मिटाउन जा रहा आ जे बिच ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना होए, असीं सिर्फ ए ट्राइंगल कंसीडर करना है, पूरा ट्राइंगल
ठीक है, ए बी सी इन ट्रैंगल, इधर प्रूफ इधर इन ट्रैंगल ए बी सी। हम ए बी सी विच ए सी दे पैरेलल कड़ी लाइन है डी ई, ए सी इज पैरेलल टू डी ई। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जी साडे को मूल समान अनुपातता प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग की होएगा बी ई बटा ई सी, डी ई बटा ई सी कि बराबर होएगी बी डी बटा डी ए, इन नंबर पा लो ए। ठीक है, एक त्रिकोज की एक भुजा तो समांतर ही रेखा बनाई और बाकी दोवे भुजावान समान अनुपात में वंडेगी। इतने रीजन लिख लेनी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी पी टी, बी पी टी मीनस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि मूल समान अनुपातता प्रमेय। हुण दूसरा देखो आज जी दो लाइनस जी ए ई जोड़िया ए ई के समांतर एक डी तो रेखा खिंची सी जी बी सी एफ बिंदु से मिलती सी। हूँ अं त्रिभुज लेना है ए बी ई, ए वाला त्रिभुज ए बी ई, ये असं इन मिटा दें, मिटाना नहीं है जस्ट मैं तुम करके मिटा के दसन ताकि समझने आसानी हो। हूँ असं यह त्रिभुज लेना, ठीक है, ये डी एफ साइड जी है ए ई के समांतर है, तो इतने भी असं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ला सकते हैं डी एफ जी है ए ई के समांतर, यह मतलब डी एफ आ दो भुजावान बाकी दो भुजावान समान अनुपात में वंडेगी। ये कि भुजा पैरल है डी एफ पैरल है ए ई के, यदा मतलब साढ़े को डी एफ बटा एफ ई, ठीक है, बी एफ बटा एफ ई बराबर होगी बी डी बटा डी ए, इन नंबर पा लो टू। तो ये भी क्यों बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हूँ एक दो देखो, एक दो फ्रॉम वन एंड टू देख लो, फ्रॉम वन एंड टू। हूँ एक तो दो आ जाए साढ़े को इक्वेशन आई थी राइट साइड सेम है दोवे की, इतने भी राइट साइड बी डी बटा डी है, इतने भी बी डी बटा डी है, यह मतलब लैफ्ट साइड भी सेम होएगी यानी कि बी ई बटा ई सी बराबर होएगी बी एफ बटा एफ ई। ठीक है, ये सीगा इस क्वेश्चन का प्रूफ। हम नैक्सट मैं क्वेश्चन जो कर जा रहा हूँ बाकी सारे इस तरह नौवा प्रश्न है अगले देखो नाइन्थ क्वेश्चन की है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिस विच ए बी समांतर है डी सी दे अते इस दे विकर्ण आपस विच बिंदु ओ ते कटते हैं, साढ़े को एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी कि जिन्हें असी इंग्लिश में ट्रेपेज़ियम कह लें वो गिवन है, ए बी सी ते डी। ठीक है, हुण इत्थे ए बी जिहड़ी है वो डी सी दे की है समांतर है, तो विकरण जड़े आपस में बिंदु ओ ते कटते हैं। हम एदा आ विकरण डायगनल, डायगनल मीट ई चंदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, प्रूव करना है ए ओ बटा बी ओ टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इट इज इक्वल टू सी ओ अपॉन बी ओ, यह प्रूव करना ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। ठीक है, असं इस वास्ते की करेंगे देखो ओ बिंदु तो एक ए बी ते सी डी के समांतर रेखा खिंचो बिंदु ओ, इनू असी कह लेना है एक नाम दे दें ई एफ कह। ठीक है, इतने कंस्ट्रक्शन आपको अपने को की है। ठीक है, की करना है
एबी अते डीसी दे समांतर एक रेखा ईएफ खिंचो जो के बिंदु ओ तो हो के जाए ओ विचो बन गए ठीक है। मतलब आज के ईएफ है दोनों दे पैरेलल मतलब तीन ही आपस में पैरेलल हो गए ए बी ई एफ ते सी डी। हुण इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल जड़ा है ए बी डी ए वाला ट्रायंगल ए बी डी। हुण इस विच देखो ए बी डी विच ई ओ जड़ी है वो ए बी एक तरह है ट्रायंगल लगे ठीक है आ डी ए ए ते ए बी ए इत्थे पॉइंट ओ है सर ठीक है सिर्फ इतना इतों ही समांतर रेखा में छेद करो और इस ट्रायंगल विच ई ओ जड़ी ए बी दे की है पैरेलल समांतर है इहदा मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह दिंदी जे किसी भुजा दे एक समांतर रेखा बनाई जाए और बाकी दोवें भुजावां नूं समान अनुपात विच वंडेगी यानी कि साडे कोल की आएगा डी ई बटा ई ए ए बराबर होएगा डी ओ बटा ओ बी दे क्यों क्योंकि ये साढ़े को ईओ जी है वह ए बी के समांतर है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये अनुपात की होगा बराबर इन एक नंबर कह देना से ठीक है। उस तरह हम दूसरा ट्रायंगल जोड़ा वो असं कंसीडर करना ए सी डी ए सी हम इधर न ट्रायंगल आ गया ठीक है ए सी ते बी हम इतने भी आ बिंदु ओ है हम असं की कहना ई ओ जी सी डी के समांतर है तो जे ई ओ समांतर है सी डी के तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की आएगा डी ई बटा ई ए बराबर होएगा ओ सी बटा ओ ए इन नंबर टू कह लो ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है। हम फ्रॉम वन एंड टू इन दोनों नू यूज करते हैं फ्रॉम वन एंड टू की आएगा देखो राइट हम लेफ्ट साइड बराबर डी ई बटाई है डी ई बटाई है यदा मतलब डी ओ जो ओ डी सेम थिंग है ओ डी बटा ओ बी बराबर होएगा ओ सी बटा ओ ए ठीक है। डी ओ बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ ए तो इनू हम तुम शफल जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो साड़ी रिक्वायरमेंट है ओ ए इधर ला जाओ बटा ओ बी डी ओ डी जरा इधर आ जाए ठीक है बटा ओ डी हेंस टू ठीक है। इस तरह बाकी प्रश्न भी इस तरह तुम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जी इन्होंने प्रश्नों में अप्लाई करके बाकी प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है। धन्यवाद सारे का।